जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिल्ली शहर में द्वारका मोड़ के बिल्कुल नजदीक ये शानदार इंडिपेंडेंट फ्रीवेज के फ्लैट दोस्तों, जो कि 30 फीट के वाइड फ्रंट में है और काफी प्राइम लोकेशन पर है, गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने आपके लिए तैयार किया है। इसका सैंपल फ्लैट रेडी हो गया है दोस्तों, और इतनी अमेजिंग लोकेशन पर और इतनी रीजनेबल कीमत पर आपको इतना शानदार 3 BHK का फ्लैट बहुत कम देखने को मिलेगा। 30 फीट का वाइड फ्रंट होने की वजह से दोनों ही बेडरूम आपके फ्रंट की तरफ है, आपकी किचन फ्रंट की तरफ है दोस्तों। और इसके अलावा अच्छी बात यह है कि द्वारका से बिल्कुल नजदीक है। मेन द्वारका दोस्तों यहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। विगेस्ट मॉल यहां से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। NSUT नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यहां से मैक्सिमम 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यानी कि दोस्तों ये जो आपका फ्लैट है, ये ना केवल रहने के लिहाज से शानदार है, बल्कि इनकेस अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए घर ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप दोस्तों चाहते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, तो उसके लिए भी आपके लिए ये ऑप्शन शानदार ऑप्शन हो सकता है। तो डिटेल वीडियो देखिएगा दोस्तों, और देखिएगा कि आपका ये अमेजिंग फ्लैट हमने किस तरीके से तैयार किया है। यहां से एंट्री है दोस्तों आपके इस 3 BHK फ्लैट की, और जैसे ही हम एंट्री करते हैं आपको ये शानदार लिविंग स्पेस यहां पर मिलता है, जिसके साइज की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 19.5 फीट बाय और लगभग 20.5 फीट का साइज इस लिविंग स्पेस का आपको देखने को मिलेगा। यू टाइप का सोफा आप यहां पर लगा पाएंगे, पीछे की वॉल आप देख सकते हैं, डिजाइनर आपको मिलती है, एसी की फिटिंग आपको मिलती है दोस्तों। और इसके अलावा बात अगर करें सीलिंग की, तो सीलिंग का डिजाइन भी आपको शानदार मिलता है, और ये बहुत प्यारा सा शैंडलियर भी हम आपको लगा कर देंगे। सोफे के ठीक सामने काफी बड़ा टीवी पैनल यहां पर लगाया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमने इसे डिजाइन किया है, और नीचे की तरफ भी आपको 4 बड़ी बड़ी ड्रॉर्स यहां पर मिलती हैं। कंप्लीट फिटिंग्स आपको मिलती है, जिससे टीवी लगाने में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। फ्लोरिंग की बात करते हैं तो फ्लोरिंग हाई ग्लोस की टाइल्स है दोस्तों, हाई क्वालिटी की टाइल्स यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, ये भी आपको जरूर पसंद आएगी। स्टोन फिनिश की टाइल है, बिल्कुल आपको ऐसी लुक देती है जैसे कि कटनी पत्थर। और अब बात करेंगे आपकी शानदार किचन की दोस्तों। शानदार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह की किचन बहुत कम देखने को मिलती है दोस्तों। किचन इतनी बड़ी है, इतनी शानदार है कि जैसे एक कंप्लीट रूम हो दोस्तों। आप देख सकते हैं जो कलर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है, और इसके अलावा कितना बड़ा स्पेस मिलता है दोस्तों आपकी इस किचन में, ये भी देखने वाली बात है। बहुत कम किचन के अंदर इतना बड़ा स्पेस मिल पाता है, सिर्फ 115 गज के स्लैब एरिया में ही ये बनाना संभव हो पाता है। चलिए बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में दोस्तों। सबसे पहले साइज की बात करेंगे तो 8 फीट बाय और ऑलमोस्ट 12 फीट की दोस्तों आपको ये शानदार बड़ी किचन मिलती है। इस किचन में आपको जो वर्क मिलेगा वो प्रीमियम क्वालिटी का मिलेगा। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि ये फुल्ली वेंटिलेटेड किचन है। दो विंडोज आपको मिलती हैं फ्रंट की तरफ, आप देख सकते हैं बीच में आपको चिमनी का सेक्शन मिलता है, और इसके अलावा नीचे और ऊपर दोनों तरफ आपको काफी स्टोरेज मिल जाती है आपकी इस किचन के अंदर। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि जो भी काम किया गया है दोस्तों वो हाई क्वालिटी का आपको यहां पर मिलता है। सॉफ्ट क्लोजर है, हल्का सा पुश करेंगे दोस्तों और इजिली क्लोज हो जाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। यहाँ पर डबल मोल्डिंग का वर्क आपको मिलने वाला है, नैनो पत्थर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अपर सेक्शन पर आप देखेंगे दोस्तों तो व्हाइट बेस की जो माइका है वो लगाई गई है, और इसके अंदर भी हमने कॉटन फैब्रिक की जो माइका है दोस्तों वो इस्तेमाल की है। इस तरफ आपको सिंक मिलता है जो कि 18 इंची बाय 24 इंची का है, और उसके साथ साथ दोस्तों आपको वर्ना कंपनी की फिटिंग्स मिलती है, और कंप्लीट स्लैब पर रोशनी रहे, आपको काम करना इजी रहे, उसके लिए हमने यहाँ पर प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों तो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है आपको यहाँ पर काम करने के लिए, और उसके अलावा आपकी स्टोरेज की दिक्कत खत्म करने के लिए आपको काफी बड़ी और शानदार सी पेंट्री भी मिल जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी पेंट्री आपको मिलती है। प्रीमियम क्वालिटी के वर्क के साथ दोस्तों हमने आपकी इस पेंट्री को बनाया है। अगर बात करें सीलिंग की तो सीलिंग पर भी आपको शानदार डिजाइन मिलता है। और इस किचन के अंदर दोस्तों इस तरफ हमने आपको कंप्लीट वॉल पर टाइल्स लगा कर दी है, जो कि प्रीमियम सेगमेंट की टाइल्स हैं, डिजाइनर लुक के साथ बनाई गई है दोस्तों यहां पर, जिससे आपको किचन को साफ रखने में काफी हेल्प मिलती है। यहां पर भी स्विच एंड सॉकेट दिया गया है, जिससे अपना फ्रिज आप यहां पर इजीली लगा पाएंगे। तो ये किचन बड़ी शानदार है दोस्तों, फुल ऑफ स्टोरेज है, काफी बड़ी है, 3 से 4 लोग खड़े होकर भी इजीली यहां पर काम कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों किचन कैसी लगी और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन भी हिट जरूर कीजिएगा। और अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे बेडरूम्स के बारे में, लेकिन बेडरूम में जाने से पहले मैं आपका जो कॉमन वॉशरूम है ये भी दिखा देता हूं दोस्तों, कि ये भी कुछ अमेजिंग है, ये भी कुछ खास है। इस तरह के वॉशरूम भी आपको बहुत कम फ्लैट में देखने को मिलते होंगे। ये शानदार और लेविश वॉशरूम दोस्तों आपको मिलता है। साइज की अगर बात करें तो 9 फीट बाय और ऑलमोस्ट 5.5 फीट का साइज आपके वॉशरूम का आपको मिलता है। आप समझ सकते हैं
कि कितना बड़ा ये वॉशरूम होने वाला है। चलिए बात करते हैं आपके टाइल वर्क की। तो डिजाइनर टाइल वर्क आपको मिलता है दोस्तों कंप्लीट वॉल्स पर। अब बात करेंगे आपके वॉश बेसिन के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर जो वॉश बेसिन का साइज आपको दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं। नीचे आपको वैनिटी मिलती है, अपर सेक्शन में आपको वरना की फिटिंग मिलती है दोस्तों, और उसके ऊपर लुकिंग ग्लास लगाकर दे रहे हैं दोस्तों, और साथ में आपकी जो टॉयलेटरीज है उसको रखने के लिए भी आपको प्रोविजन मिल जाता है। इस तरफ आपको बेडिंग एरिया मिलता है जो कि 3.5 फीट बाय ऑलमोस्ट 5.5 फीट का है, और उस तरफ दोस्तों आपको वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट मिल जाती है। वॉल हैंगिंग आपको कमोड मिलती है, वो भी हाई क्वालिटी वर्क के साथ दोस्तों हमने यहाँ पर दी है। लाइट वर्क की अगर बात करें तो आपको जो सीलिंग लाइट्स हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। और ये जो वॉशरूम है दोस्तों ये हमने कॉमन यूज के लिए भी रखा है, और इसे यहाँ से भी एंट्री दी है, यानी कि जो हमारा ये रूम है इस रूम के साथ भी आप इसे अटैच कर सकते हैं, यानी कि मल्टी यूज का आपका ये वॉशरूम है दोस्तों। ये वॉशरूम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। इस फ्लैट में हर चीज खास है दोस्तों, उसी तरह से आपका ये पहला बेडरूम भी खास है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले साइज की। तो 13.5 फीट बाय ऑलमोस्ट 10.5 फीट का आपको इसका साइज मिलता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा और अमेजिंग ये साइज है। इस तरफ कंप्लीट वॉल पर आपके लिए डिजाइनर वॉर्डरोब रेडी की गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। चाहे जितना भी सामान आप रखना चाहें दोस्तों आप इसमें रख सकते हैं। नीचे आपको कंप्लीटली ड्रॉर्स मिल रही हैं, आप देख सकते हैं, और इसमें जो सेक्शंस बनाए गए हैं दोस्तों ये भी काफी वाइड और बड़े बनाए गए हैं। अंदर भी माइका लगाई गई है और अंदर की तरफ भी हमने आपके लिए ड्रॉर्स तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी स्टोरेज मिलती है दोस्तों, और ऐसी ऐसी दो अलमीरा और भी आपको यहाँ पर मिलती हैं, और यहाँ पर भी हमने आपके लिए एक ड्रेसिंग सेक्शन तैयार किया है जिसके नीचे हमने ड्रॉर भी बनाकर दी है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हमारे डिजाइनर वॉल की, तो यहाँ पर आपको डिजाइनर वॉल मिलती है। यहाँ पर 6x6 का बेड आप लगा पाएंगे, और बेड की इस तरफ हमने आपको स्विच एंड सॉकेट भी दिया है। इस रूम में वेंटिलेशन के लिए आपको काफी बड़ी शाफ्ट मिलती है, और इस तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि एसी की फिटिंग आपको मिलती है, और अगेन सीलिंग का डिजाइन तो हमारे हर फ्लैट के अंदर, हर बेडरूम के अंदर, हर जगह दोस्तों रहता ही है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये बेडरूम हमें जरूर बताइएगा। चलिए मैं बात करता हूं आपके सेकंड बेडरूम के बारे में, और बाकी के जो दो बेडरूम है दोस्तों ये देखने बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे फ्रंट की तरफ के बेडरूम है। चलिए मैं आपको आपका ये सेकंड बेडरूम दिखाता हूं, तो आप दंग रह जाएंगे। 16 फीट लंबा इसका साइज है और 10.5 फीट की इसकी चौड़ाई है। इतना बड़ा और अमेजिंग बेडरूम दोस्तों आपने बहुत कम ही पहले कभी देखा होगा। इस बेडरूम के अंदर एक कंप्लीट वॉल आपको डिजाइनर मिलती है, और डिजाइनर वॉल के साथ साथ दोस्तों हमने प्रोफाइल लाइट वर्क भी आपको दिया है। ये भी बिल्कुल न्यू पैटर्न है, आपको जरूर पसंद आएगा। उसके अलावा आपको स्विच इन सॉकेट मिलते हैं, आप देख सकते हैं। इस बेडरूम में 7x7 या फिर 8x8 का बेडरूम दोस्तों अगर आप लगाना चाहें तो भी आप इजिली लगा पाएंगे। फुली वेंटिलेटेड हमारा ये रूम है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी विंडो आपको मिलती है, विंडो एसी लगाने का प्रोविजन आपको मिलता है, और साथ में दोस्तों स्विच एंड सॉकेट भी आपको यहां पर मिल जाता है। और बेड के ठीक सामने दोस्तों हमने आपके लिए रेडी किया है ये टीवी पैनल, जिसकी लाइट ऑन करते ही इसकी गेटअप ही बिल्कुल डिफरेंट और अमेजिंग हो जाती है। नीचे आपको 4 बड़ी बड़ी ड्रॉर मिलती है दोस्तों, और अगेन आपको टीवी लगाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ये जो रूम है दोस्तों हमारा ये आपको बालकनी के साथ भी अटैच करता है, यानी कि यहां से हमारी बालकनी का रास्ता है। लेकिन बालकनी में जाने से पहले मैं आपको इसका जो वॉशरूम है ये दिखाना चाहता हूं। यह दोस्तों इसका वॉशरूम दिया गया है। ये बेडरूम आपका अटैच वॉशरूम के साथ है। साइज अगर देखेंगे तो ये काफी बड़ा साइज है, 7 फीट बाय ऑलमोस्ट 5 फीट का आपको ये वॉशरूम मिलता है। इतने बड़े वॉशरूम भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। यहां पर भी आपको शाफ्ट के साथ वेंटिलेशन मिलता है, वॉल हैंगिंग कबोर्ड मिलती है दोस्तों, और इस तरफ आप देखेंगे तो आपका जो पानी है वो बिल्कुल रेडी टू यूज है। पानी से दोस्तों याद आया कि इस एरिया में आपको रेगुलर जो ग्राउंड वाटर है वो भी मिलेगा, और जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि पानी की किसी भी तरह की टेंशन आपके इस एरिया में नहीं है। अब मैं आपको ले चलता हूं आपकी बालकनी की तरफ, और बालकनी से हम चलेंगे आपके थर्ड बेडरूम की तरफ। ये दोस्तों आपकी बालकनी है जो कि 16 फीट बाय 3.5 फीट की है। इस तरफ आपको स्टील की रेलिंग मिलती है, टफन ग्लास मिलता है, कपड़े सुखाने के लिए दोस्तों आपके लिए हैंगर लगाए गए हैं, और यहाँ आप देखेंगे जो टाइल वर्क है ये भी आपको डिफरेंट मिलता है दोस्तों। प्रीमियम सेगमेंट की टाइल यहाँ पर भी इस्तेमाल की गई है। इस तरफ आपको कपड़े वॉश करने के लिए यानी कि वॉशिंग एरिया मिलता है दोस्तों, आपको पानी के लिए स्पेस मिलता है, स्विच एंड सॉकेट मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे आपके थर्ड बेडरूम के बारे में। ये आपके थर्ड बेडरूम की विंडो है, और हम चलेंगे आपके थर्ड बेडरूम में, और ये है दोस्तों शानदार अमेजिंग आपका थर्ड बेडरूम। और बेडरूम को आप देखेंगे इसका जो साइज है, अगेन आपको 12 फीट का इसकी लंबाई मिलती है, और चौड़ाई की बात करूं तो 10 फीट की इसकी चौड़ाई मिलती है। अगेन दोस्तों आपको डिजाइनर वॉल मिलती है प्रोफाइल लाइट के साथ, और यहां पर भी आपको डिजाइनर पैटर्न का जो हमारा वॉलपेपर है वो मिलता है। सीलिंग के डिजाइन मिलते हैं, और इस तरफ आप देखेंगे दोस्तों तो हमने
यहाँ पर आपके लिए स्विच एंड सॉकेट लगवा दिए हैं। इनकेस अगर आप टीवी लगाना चाहें तो यहाँ पर अपना टीवी भी आप इजीली लगा पाएंगे। और यहाँ पर आपको एक वार्डरोब मिल जाती है। अगेन दोस्तों, इस रूम में भी आपको स्टोरेज मिलती है, आप देख सकते हैं काफी बड़ी ये वार्डरोब है। इनफ है दोस्तों दो लोगों के कपड़े रखने के लिए। तो ये जो फ्लैट है दोस्तों, ये न केवल अच्छी लोकेशन में है बल्कि इसके अलावा इसकी जो मेकिंग है ये भी आपको काफी शानदार मिलती है। ये कंप्लीट फ्लैट आपको कैसा लगा दोस्तों, गुरु महादेव रियल एस्टेट के कस्टमर केयर पर फोन करके या फिर दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं दोस्तों आपको इस फ्लैट के बारे में, लोन के बारे में और उसके अलावा इस लोकेशन के बारे में, आसपास में आपको क्या मिलता है। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल है दोस्तों जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मेन मेट्रो लाइन से भी आपका ये फ्लैट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 5-7 मिनट्स की वॉक है दोस्तों, आप इजीली पहुंच जाएंगे अपने मेट्रो स्टेशन तक। इसके अलावा द्वारका मैंने आपको बताया बिल्कुल नजदीक है। साथ में दोस्तों हमारी ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। लोन की अगर बात करूं तो 80-85% का लोन आप इस पर इजीली अवेल कर सकते हैं। और उससे अच्छी बात यह है दोस्तों कि LIC से हम आपका लोन यहां पर करवा कर देंगे। चलिए बात करते हैं इसकी कीमत की। तो इसकी जो कीमत रखी गई है दोस्तों वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहां जाकर आप देख पाएंगे कि इसकी कीमत हमने क्या रखी है। गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल है, हमेशा ही जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमेशा ही बनाए रखिएगा। इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर दोस्तों गुरु महादेव, आपका अपना गुरु महादेव अवेलेबल है, तो हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।